अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। गोली चलने की आवाज, गोली चलने की आवाज है यहाँ से, यहाँ पे चल के देख। चलो, गोली गोली यही कैसी चली? मगर मम्मी जी वहां तो सिर्फ फ्रीजर रूम है, इसका मतलब गोली वहीं से चली है। चलो देखते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अंदर तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो मुकेश, तू खोलो तो दरवाजा। अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है। अंदर मैं कहीं से हथौड़ा लेकर आता हूँ, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। खोलिए दरवाजा। पीछे हटिए, एक मिनट पीछे हटिए आप लोग। क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है आप लोगों ने यहाँ? सर, इस कमरे से गोली चलने की आवाज आई है। अंदर से गोली चलने की आवाज आई? जी, जी सर। अच्छा, तुम सब लोग पीछे हट जाओ, हम लोग देखते हैं। अभिजीत आइए। क्या है, कुछ दिख रहा है? सर अंदर तो अंधेरा है, यहाँ पे लाइट है। अच्छा, देखो जरा मेन फ्यूज बॉक्स, जल्दी। अभिजीत तोड़ दो दरवाजा। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं अच्छे खाना बनाने की सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन होती है कि खाना इतना स्वादिष्ट होना चाहिए, इतना लजीज होना चाहिए कि आदमी अपनी उंगलियों को चाटता रह जाए। तो दोस्तों, देखते हैं कि आज किसकी डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, और इसी स्वादिष्ट और लजीज खाने की कॉम्पिटिशन जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन शेफ कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है, और मैं इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजर और आपका होस्ट संकेत। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किसकी डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, किसकी डिश सबसे ज्यादा लजीज है, और इसके लिए हमने बुलाया है देश के तीन मशहूर ग्रेट शेफ को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम देम। Hello. Hello. Thanks for coming, sir. Hello. Thanks for coming, sir. My pleasure. Thanks for coming, sir. तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किसके किस्मत का ताला आज खुलने वाला है। कौन जीतेगा द ग्रेट इंडियन शेफ प्रतियोगिता? कौन बनेगा विनर? आइए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जजेस ने सारी डिशेस टेस्ट कर ली और उन्हें सब डिश बहुत पसंद आए, उन्होंने सभी डिशेस की बहुत तारीफ भी की है।
तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि फैसले की घड़ी अब बहुत ही करीब है। आइए जजेस से पूछते हैं कि उन्हें कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई। सर प्लीज बताइए कि आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई। दोस्तों इस समय हमें जो सबसे ज्यादा जो डिश पसंद आई वो क्या हुआ? क्या पता मेरे साथ ऐसा क्यों है? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर बेटा। किसने अब तक डॉक्टर को बुलाया नहीं? रवि आई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज इन्हें चेक कीजिए। डॉक्टर साहब पता नहीं इन्हें क्या हो गया, अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब जल्दी चेक करिए ना। मिस्टर संकेत इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब तब तक तो काफी देर हो जाएगी, मामला गंभीर है, इन्हें लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए मैं इन्हें एक एक इंजेक्शन लगा देता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए। रवि जी, रवि तुमने एम्बुलेंस को फोन किया कि नहीं? सर मैंने फोन कर दिया, मैं जाकर देखता हूं। लेकिन सर वो बाहर सभी लोग जजेस के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उन्हें क्या बताऊं? कह दो कि सब ठीक है। लेकिन संकेत जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? तब कैसे छुपाओगे? सोचो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। देखो मुकेश तब की तब देखी जाएगी, मुझे पहले इन लोगों की जान बचानी और अपने कंपटीशन को भी नहीं रोकना। कंपटीशन? नहीं कंपटीशन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। और अरे जजेस को आखिर हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है ये सब कुछ खाने की वजह से ही हुआ है। देखो जब तक डॉक्टर ठीक से चेक नहीं कर लेते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो ऐसे लगता है जानबूझ के तुम्हारा काम किसी ने बिगाड़ा है। हाँ माँ मैं जानता हूँ कि वो कौन है। ये वही आदमी है जो मुझे फोन पे बार बार धमकियां दे रहा है, लेकिन मैं भी उसे दिखा दूंगा कि मैं इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं अपना कंपटीशन पूरा करके दिखाऊंगा माँ। पर वो कैसे? मैं अभी CID को फोन करूंगा, वही पता लगाएंगे कि असली मुजरिम कौन है। सर कंपटीशन चल रहा था और तीनों जजेस खाना टेस्ट कर रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ सर तीनों बेहोश हो गए और नीचे गिर पड़े। सर खाने में ही कुछ होगा ना, और क्या वजह हो सकती है? वजह है बस, और बहुत बड़ी वजह। अच्छा क्या वजह है सरुंगे? मैं सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, पता ये चला है कि तीनों जजेस ने बेहोश होने से आधा घंटे पहले जहर खाया। मतलब खाना भी खाया और जहर भी? वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पर इलाज हो गया, वरना तीनों बेचारे ऊपर पहुंच गए होते। वो तीनों ऐसे ही बेहोश नहीं हुए, जहर गया उनके पेट में। जहर? जहर? जी हाँ जहर। लेकिन सर यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ खाना खाया था। सर जहर गया है ना पेट के अंदर, यहीं कहीं से गया होगा। और उनके जितने भी खाने की चीज है सब चेक करें। ठीक है सर। कोई तो है जो मेरा काम खराब करना चाहता है, मेरे नाम को बिगाड़ना चाहता है। सर कौन हो सकता है? सर पता नहीं सर। अच्छा यहाँ कितने लोग हैं हवेली में? सर हम सभी घर वाले, इसके अलावा 10 लोग हैं जो देखभाल करते हैं और मेरे यूनिट मेंबर्स। ये सारे लोग यहीं पे हैं या कोई बाहर भी गया है? नहीं सर सभी लोग यहीं पे, लेकिन मैंने उन्हें इस बारे में कुछ बताया नहीं सर, बेचारे पैनिक हो जाएंगे सर। बस ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पता चल गया है जहर खाने में ही है। खाने में है जहर? कौन से खाने में सारुंग के? ये देखो ये एक तो ये 3 नंबर में नरगिसी कोफ्ता और वो उधर 6 नंबर में राघव और ये 9 नंबर मीता। तीन लोगों ने जहर मिलाया खाने में, फिर कोई अपनी डिश में जहर क्यों मिलाएगा? वही तो। रेडी एक काम करो,
इस सुमित, राघव और मीता को लेकर आओ। यस सर। सर, हाँ, मुझे यकीन ही नहीं आता सर कि ये काम शेफ ने किया होगा। आई मीन टू से सर, वो खाने में जहर क्यों मिलाएंगे? वो तो हम ढूंढ ही लेंगे संकेत जी, मगर ताज्जुब की बात ये है कि तीन अलग अलग लोग इन तीनों जजेस को मारना क्यों चाहते थे। सर, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उन्हें बताया गया नहीं कि आप लोग सीआईडी से, वरना मेरा कॉन्टेस्ट ऑफ सब क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप मत बताइए, समझे? जाइए और चुपचाप खड़े हो जाइए उधर। एक मिनट, तीनों आ गए सर। अभिजीत, नमस्ते। देखिए, हम लोग न्यूज चैनल से हैं और हम ये ग्रेट इंडियन शेफ फूड कंपटीशन कवर कर रहे हैं, बस आपसे कुछ चंद बातें करनी है। जी पूछिए। थैंक यू सो मच अभिजीत, जरा अपना कैमरा ऑन कर। यस सर, यस, हम आपकी रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। रेडी सर, रेडी रेडी। अच्छा, तो पहले मेरा ये सवाल है कि आप तीनों ऑब्वियसली भारतवासी ही हैं, लेकिन कहां से हैं? जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? अच्छा सर, मैं मुंबई से हूँ सर। मुंबई से? ओह, और आप मैम? जी मैं हैदराबाद से। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, वाह रे वाह। क्या आप तीनों भी पहली बार हिस्सा ले रहे हैं ऐसे फूड कॉम्पिटिशन में, या पहले भी कभी लिया है? जी नहीं सर, मैंने पहली बार हिस्सा लिया। सर, मैंने पिछले साल फूड कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन सर सेलेक्ट नहीं हो पाया सर। वेरी सैड। जी ये मेरा फर्स्ट टाइम है। एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि हम लोगों को ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल, हाउसवाइफ है मैडम, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप इन तीन जजेस को तो जानते ही होंगे। जी टीवी में बहुत बार देखा है। अब सर उन्हें कौन नहीं जानता। सर देश के बड़े शेफ हैं, एक बार दिल्ली में उन्होंने मेरे कॉलेज में आकर क्लास भी ली थी, पर मैं तब उनसे मिल नहीं पाया था। अच्छा, मतलब आप तीनों भी जानते हैं जजेस को? सर आज हमारे जजेस को पता नहीं क्या हो गया था, अभी वो कैसे हैं? अब तीनों भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ताज्जुब की बात देखिए ना, फूड कॉम्पिटिशन के जजेस हैं और फिर भी उन्हें हल्का सा फूड पॉइजनिंग हो गया। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फ्रेडी, जरा इन्हें छोड़ो। जी और हाँ, आते वक्त दूसरे तीन लोगों को लेकर आओ। ओके ओके, थैंक यू सर। बात समझ में नहीं आई, आपने इन तीनों को जाने क्यों दिया, अरेस्ट क्यों नहीं किया, जबकि इन तीनों ने खाने में जहर मिलाया था? अभिजीत बताएगा तुम्हें। निकले, ड्रामा कुछ और ही है। ऐसा लगता नहीं है कि इन तीनों ने जहर मिलाया खाने में, बल्कि कोई और है जो इनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, समझे? सर कौन हो सकता है ये, कैसे पता चलेगा? वो तो पता लगा ही लेंगे, अब कैसे वो देखना। हाँ बोलो, क्या बात है? ये तुम हर किसी के खाने में दाग झाग कर रहे हो, कोई उल्टा सीधा काम करने का इरादा तो नहीं है? क्या मतलब? मतलब यही कि खाने में कुछ जहर वगैरह मिलाने का कोई प्लान तो नहीं तेरा? मैं ये तू तो सीरियस हो गया। अच्छा ये बताइए, खाना बनाने के बाद कहाँ रखते हैं? हम लोग वहाँ ट्रॉली पे रखते हैं। ट्रॉली पे? हाँ।
अच्छा उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम खाना डिस्प्ले रूम में ले जाते हैं। ओके। मगर कल यहाँ तो कोई और आया था ना खाना लेने के लिए? संकेत सर आए थे। संकेत? अच्छा ये संकेत के साथ कोई और भी था? उनके पीछे पीछे पुनीत भी आया था। पुनीत? बड़ा गलत आदमी है वो। अच्छा तो तुम्हें कैसे मालूम? कल संकेत सर कह रहे थे कि मुझे ये हवेली बेचनी नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कहो। ओ, तो बहुत गुस्सा हुआ होगा ना ये पुनीत? लग तो रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। कहाँ खड़ा, कहाँ पे था वो? वो वहाँ पे खड़ा था, वहाँ खाने के पास। हाँ खाने के पास। अच्छा यहाँ पे? हाँ यहाँ। ये क्या है? पता नहीं क्या है। मेरा मुंह क्या देख रहा है? कुछ काम वाम नहीं है क्या? जा कुछ काम करो यार। कमाल का आदमी है। ये फोटो डॉक्टर सालुकी के पास भेजता हूँ, वही बताएंगे ये क्या है। हाँ बस पता चल गया जहर का। कौन सा जहर है? कैस्टर का बीज है। क्या? कैस्टर का बीज? डॉक्टर साहब कैस्टर ऑयल तो खाने में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं अभिजीत, कैस्टर के तेल में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसे फिल्टर किया जाता है, तब वो खाने के लायक होता है। और ये कैस्टर के बीज आसानी से बाजार में मिलते भी नहीं होंगे ना? बिल्कुल रेडी। तो जिसने भी ये जहर खाने में मिलाया उसने कहीं से तो लाया होगा। सर ये शहर के बाहर एक कैस्टर ऑयल की फैक्ट्री है, वहां से तो नहीं लाया? पुनीत आया संकेत सर से मिलने। संकेत ने पुनीत को बुलाया? चक्कर क्या है? क्या वो आपने हवेली खरीदा नहीं अभी तक? हाँ संकेत बोल तो रहा था कि उसे किसी भी हाल में ये हवेली बेचनी ही है, भले ही सस्ते दाम में क्यों ना बिक जाए। देखते हैं यार, हो जाएगा। अच्छा तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। हाँ संकेत ये हवेली बेचने के लिए तैयार कैसे हो गया? कल तक तो मना कर रहा था, इसे मिलके पता करना पड़ेगा। सर बहुत ही खतरनाक बीज है ये कास्टर का, और हमें ये मालूम है, हम इसे किसी को क्यों देंगे? सर ये तो हम भी जानना चाहते हैं, ये खतरनाक बीज गलत हाथों में पहुंचा कैसे? तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं सर, उन पे हमारी नजर रहती है। शाम को जब छुट्टी होती है तो गेट पे हर आदमी की चेकिंग होती है। यहाँ से बिना इजाजत के कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता है सर। तो फिर यही हुआ होगा, जो भी ये बीज यहाँ से लेकर गया है पूछ कर लेकर गया है। याद करो कौन लेकर गया ये बीज? जी हाँ एक बार मेरा भाई लेकर गया था, लेकिन वो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है। क्यों? उसके पास कोई शराफत का सर्टिफिकेट है या फिर उसके माथे पे लिखा है कि वो गलत काम नहीं कर सकता? नहीं सर उसके माथे पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन वो बहुत ही शरीफ आदमी है। वो सर पैरों से लाचार है, वो चल भी नहीं सकता है सर। नाम क्या है इसका? सर उसका नाम राघव है, वो खाना बनाने का काम करता है, शेफ है वो। राघव शेफ जो व्हील चेयर पर चलता है, उस हवेली में कंटेस्टेंट बनकर गया है। हाँ वही, लेकिन क्या हुआ? वो तो अभी पता चल जाएगा। आ चुप के बैठा संकेत, सब जगह तो देख लिया। हाजिर जिन क्या तो कैस्टर के बीज राघव लेके आया था? ठीक है तुम लोग जल्दी से यहां पहुंचो, मैं उस पर नजर रखता हूं तब तक। ये राघव कहां गया? कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ संकेत कहां हो तुम? हाँ
मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, क्या हुआ? सर, तुम इतने घबराए हुए क्यों? सर आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मुझे आपको कुछ बताना है सर। जो कुछ बताना है बाद में बताना, पहले इस राघव को पकड़ना है। सर बहुत जरूरी बात है सर, केस के बारे में कुछ बताना है सर। क्यों, क्या, कहाँ हो तुम? मैं फ्रीजर रूम में हूँ सर। फ्रीजर रूम? तुम वहाँ? सर हेलो, हेलो, ऐसी क्या बात होगी जो संकेत इतना घबराया हुआ था? लेकिन उसकी जान खतरे में तो नहीं है? बकवास कर रहे हैं आप? चुप रहिए। जिस इंसान ने मेरे भाई का खून किया है उसे आप कुछ कह ही नहीं रहे। मालूम है तुम्हें किस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? कोई भी हो, लेकिन इसी ने संकेत को मारा है। वाह, इसी ने मारा मेरे बच्चे को। देखिए, ये एक सीआईडी ऑफिसर है। क्या? सीआईडी ऑफिसर? अब समझ आया, इसीलिए आप इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी तक आपने इसके हाथ से गन तक नहीं ली है। एक मिनट प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए। रेडी, इन सबको बाहर लेकर जाओ, जाइए। संकेत, 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 चलिए चलिए। मेरी ठिकान लीजिए सर, हाँ मुझे अरेस्ट कीजिए। पहले बताओ क्या हुआ यहां पर, कैसे हुआ ये खून? मेरे हाथों से गोली चल गई सर। गोली तो चली है सर, क्यों दया? हाँ क्यों, क्यों चलाई गोली तुमने इस पर? सर इस संकेत ने मुझे यहां पे बुलाया था मिलने के लिए। क्या हुआ, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? उस सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, सर वो बोलो वो बात ये सर की ये हवेली सर। क्या हुआ हवेली को? वैसे तुम ये हवेली इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? पहले तो तुम इसके खिलाफ थे, अचानक ये हवेली बेचने का मन बना लिया, क्यों? बात क्या? लाइट क्यों चली गई? और सिर्फ इसी कमरे की लाइट गई, बाहर तो लाइट है, कुछ गड़बड़ लगती है। ए, तुम्हें बार बार जेब में क्यों हाथ डालना? अच्छा, ये तुम पे गोली चलाने वाला था? हाँ, और इसीलिए मैंने इसके हाथ पे गोली चलाई। मगर दया, गोली हाथ में नहीं, गोली उसके सीने में लगी है, और ना तो उसके हाथ में गन है। सर इसके हाथ में कुछ था, मुझे लगा गन है, इसीलिए मैंने इसके हाथ पे गोली चलाई, पता नहीं कैसे। नहीं दया, रेडी चेक करो। पैसे सर, सर
गन तो नहीं मिली मगर ये टॉर्च मिला है सर। टॉर्च? सर, सर मुझे लगा इसके पास गन है और ये मुझ पे गोली चलाने वाला है इसलिए मैंने गोली। गोली तो आर पार हो गई। अगर गोली आर पार हो गई है तो फिर गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। नहीं सर, गोली तो यहां पे कहीं भी नहीं है सर। अभिजीत ये कैसे हो सकता है? गोली यहीं पर होनी चाहिए, इसी कमरे में। गोली यहीं पे है, मेरे बेटे के शरीर के अंदर है। आप जानबूझ के इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट मारे, हम यहाँ किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, समझिए आप। अपराध जिसने भी किया है उसे सजा मिल कर ही रहेगी, फिर चाहे वो हमारा ऑफिसर ही क्यों ना। आइए सर। यही है राघव का कमरा। दिख तो नहीं रहा, कहाँ है वो? सर ये राघव का ही कमरा है और मुझे लगा वो यही होगा। रेडी, बाहर जो सिक्योरिटी वाला है उसको बुला के लाओ। ये सर। आखिरी बार कब देखा था तुमने यहाँ? सर जब यहाँ पर भगदड़ मची हुई थी तो मुझे उसकी एक झलक दिखाई दी थी। उसके बाद दिखाई नहीं दिया वो? जी नहीं सर। कपड़े वगैरह सब यहाँ पे हैं। राघव कहाँ है? सर तुम राघव को जानते हो? वो जो व्हीलचेयर पे चलते हुए ना? हाँ वही वही। हाँ सर जानता हूँ। कहीं जाता हुआ दिखाई दिया वो? हाँ सर, वो तो अभी अभी निकल गए यहाँ से। हाँ? कब? कब की बात है ये? सर जब लोग इधर उधर भाग रहे थे उस वक्त वो गाड़ी के पास आए और बहुत ही जल्दी में थे, गाड़ी में बैठे और निकल गए। सर मैंने तो बैठा उनको गाड़ी में। सर जरूर कुछ गड़बड़ थी इसलिए तो भाग गया। उसकी गाड़ी का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर नंबर तो है, मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ है। ले क्या? रेडी, कंट्रोल रूम फोन करो, पता करो ये कार इस वक्त कहाँ पे है। संकेत को गोली यहां लगी बाईं तरफ और एग्जिट वुंड भी है, इसका मतलब साफ है कि गोली आर पार हुए। और मैंने संकेत का घाव अच्छी तरह से चेक किया है, एकदम सीधा है, मतलब साफ है बॉस। संकेत को जिस किसी ने भी गोली मारी है उसकी लंबाई भी उतनी ही है जितनी संकेत की, 6 फीट 1 इंच। तुम्हारी हाइट भी लगभग इतनी है ना? हाँ सर। डॉक्टर साहब ये तो पता चल सकता है ना कि गोली कितनी दूर से मारी गई है? पता चल सकता है। तो आप ये बता सकते हैं कि गोली नजदीक से चली है या दूर से? बॉस इस संकेत को गोली नजदीक से चली है, लगभग लगभग इतनी दूरी से, कोई 6-6.5 फीट की दूरी से। मतलब आप सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि गोली दया ने चलाई है? अरे ऐसा मैंने कब कहा? तो और क्या मतलब है आपका? कमरे के अंदर 6.5 फीट की दूरी पे सिर्फ दया खड़ा था, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो मुझे पता चल रहा है फॉरेंसिक लैब में, सच्चाई बताना चाहता हूँ तुम्हें। और दया कहाँ खड़ा था इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। गोली किसने चलाई ये तुम लोग ढूंढो, और बॉस मेरे कंधे पर बंदूक रख के गोली मत चलाओ। तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के कोई भी गोली नहीं चला रहा है, समझे तुम? क्या तुम बता सकते हो कौन से गन से गोली चली है? हाँ बता सकता हूँ। तो फिर बताओ। बस मैंने ये घाव अच्छी तरह से चेक किया है और ये घाव मुझे बता रहा है कि गोली .22 कैलिबर की गन से चली है। क्या .22 कैलिबर से?
पक्का? पक्का नहीं बता सकता, गोली नहीं है मेरे पास, इसलिए पक्का कैसे बताऊं? तो फिर कैसे बोल सकते हो कि ये .22 कैलिबर की गोली का जख्म है? सर मुझे तो लगता है फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ गलती हुई है सर। मतलब क्या तुम्हारा? कुछ नहीं। फ्रेडी, मैं जानता हूं कि आप लोग ये सब मुझे बचाने के लिए बोल रहे हैं, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। गोली तो मैंने चलाई है। देखो दया, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, कोई ठोस सबूत तुम्हारे खिलाफ, और जब तक वो .22 कैलिबर की गोली नहीं मिलती, तब तक तुम गुनहगार नहीं हो, समझे? सर आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सब कुछ मालूम होते हुए भी आप लोग आंखों पे पट्टी बांध रहे हो, लोग क्या कहेंगे सर? यही ना कि CID वालों ने अपने ऑफिसर को बचा लिया। हाँ सर, समाज में आपकी बदनामी होगी सर। जो लोग ACP प्रद्युमन के नाम की मिसाल देते हैं, वही लोग पीछेड़ उछालेंगे सर आप पे। मुझे किसी की परवाह नहीं है दया। आज तक हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा दी है जो गुनहगार हैं। तुमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। सर ये सब आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो आप लोग ऐसा कुछ करते? नहीं सर, कभी नहीं। सर मेरी गन और ये बैच मुझे अरेस्ट कर लीजिए। सर तुम्हें क्या लगता है, गन और बैच रखने से तुम गुनहगार हो जाओगे? कभी नहीं। जब तक कि कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, हम कुछ नहीं मान सकते। आंखों पे पट्टी बांध के ठोस सबूत ढूंढ रहे हैं आप लोग? मारा की गोली तुम्हारे गन से चली, लेकिन अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि संकेत को जो गोली लगी वो वही गोली है जो तुम्हारे गन से निकली थी, समझे? तो फिर सर जो गोली संकेत को लगी वो कहां से आई? सर आप लोग दिल से काम ले रहे हैं, दिमाग से नहीं। सारे सबूत मेरे खिलाफ है सर। अभी बात अलग है कि मुझे लगा वो मुझ पर गोली चला रहा है, इसलिए मैंने उस पर गोली चला दी। क्या कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो होता नहीं है? कैसे? वो भी जल्दी बता देंगे। पहले तुम ये बताओ कि जब तुम कमरे में घुसे तो वहां आसपास कोई और भी था? नहीं, आसपास तो कोई नहीं था। तो फिर दया मुझे बताओ, उसी कमरे की लाइट क्यों बंद हो गई अपने आप? पूरे हवेली में तो लाइट थी उस वक्त। लाइट क्यों चली गई? बस सिर्फ इसी कमरे की लाइट गई, बाहर तो लाइट है। हाँ सर, कमरे की लाइट तो गई थी अपने आप। और तुमने ये भी कहा था कि राघव उसी समय से गायब है। हाँ, राघव गायब था तब। मतलब बहुत सारी गुत्थियां सुलझानी हैं हमें। इसे भी प्रद्युमन। ओह, थैंक यू। ओके, राघव की गाड़ी रोजलैंड होटल के पार्किंग लॉट में है, उठाओ उसे। सर कंट्रोल रूम से पता चला है कि राघव की कार यहीं कहीं है। एक काम करते, आसपास हर जगह ढूंढते, देखते कहीं मिलती है क्या कार। RH0879P। सर निखिल, सर ये रही राघव की कार। अगर राघव की कार यहां पे है तो राघव होटल में ही होगा। चल के मिलते हैं। ये तो व्हील चेयर की आवाज है। सर आवाज इधर से आ रही है। सर इसने गाड़ी खड़ी की है इस तरफ, और जाए इस तरफ रहा है।
हाँ निखिल, कोई ना कोई बात जरूर है, इसीलिए वहां जा रहा है। इसका मतलब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ है। सर, आप लोग यहाँ पे? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। क्या बात है सर, आप तो बहुत अच्छा मुहावरा बोल लेते हो। सिर्फ मुहावरे नहीं, गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। अच्छा, वाह। चुप, ये बता के क्यों मारना चाहता था उनको? मारना किनको सर? उन जजेस को जो खाना बनाने के कंपटीशन में आए थे। कैस्टर का बीज तूने खाने में मिलाया था ना? कैस्टर का बीज? अब ये मत कहना कि कैस्टर का बीज क्या होता है, तुझे नहीं मालूम। एक झापड़ दूंगा ना तो जिंदगी भर घाटा फिरेगा। बोल। हाँ सर, कैस्टर का बीज तो सर मैं ही लाया था, लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, मैंने उसे खाने में नहीं मिलाया सर। तो फिर किसने मिलाया खाने में? सर मुझे क्या मालूम किसने मिलाया सर, मैंने नहीं मिलाया बस। सर पर क्या ये बैग फेंका था इसने डस्टबिन में? लेकिन जरा बैग नीचे रखो। सारे नोट, नोट तो नकली है। मतलब तू नकली नोटों का धंधा भी करता है? नहीं सर, मैं नकली नोटों का धंधा नहीं करता सर। सर ये नोट तो मुझे वो हवेली में मिले थे सर। नकली नोट हवेली में कहाँ से? सर इन्हीं नोटों की वजह से तो मैं वहां से भाग आया था, लेकिन यहाँ के पता चला कि सारे के सारे नोट नकली है। इतने सारे नकली नोट हवेली में आए कहाँ से होंगे? जरूर कुछ गड़बड़ है। सर संकेत यहाँ पे खड़ा था। हाँ रेडी, जरा संकेत की जगह खड़े हो जाओ। और दया खड़ा था यहाँ, यहाँ से दया ने संकेत के हाथ पे गोली चलाई। अब फ्रेडी तुम अपना हाथ उठाओ, जैसे तुम दया पर गोली चलाने वाले हो। राइट, अभिजीत अगर दया ने गोली यहां से ऐसे चलाई तो फिर गोली यहां, ज्यादा से ज्यादा यहां इस दाहिने हिस्से में ही लगी। हाँ सर, मगर संकेत को गोली यहां उसके बाएं हिस्से में लगी है। बिल्कुल, तो हो सकता है गोली चलाने वाला यहां दया के पीछे खड़ा होगा। लेकिन अभिजीत जब हम इस कमरे में आए तब तो सिर्फ दया और संकेत ही थे, और तो कोई भी नहीं था। ऐसा तो फिर गोली, माय गॉड, पता चल गया सर गोली कहां से चली है। पता चल गया कहां से सर? यहां पे तो कुछ दिख नहीं रहा। केक से। केक से? सही है, देखिए यहां। हाँ, हे भगवान, क्या दिमाग लड़ाया खूनी ने, केक में गन छुपा के रखी थी। अभिजीत लगता है ये रिमोट कंट्रोल गन है, बाहर से गन चलाई गई है। सर अगर इस गन से संकेत का खून हुआ है तो फिर दया ने जो फायर किया था वो गोली कहाँ है? वो तो मिली नहीं। काम करो, फिर से वैसे खड़े हो जाओ जैसे दया और संकेत खड़े थे।
अभिजीत, दया के गन से चली हुई गोली ऐसे इस दिशा में यहां लगनी चाहिए। ये देखो, यहां लगी थी गोली और फिर यहां से वो गोली रिकोशे होकर यहां आनी चाहिए। ये क्या? ये देखो अभिजीत, गोली यहां पर फंसी है इस केक में। ये रही दया की गोली सर, संकेत को छुआ अभी तक नहीं उसने। कम से कम ये तो तय हो गया कि खूनी दया नहीं है, खूनी कोई और ही है। मगर सर, इस केक वाली गन से जो गोली संकेत को लगी थी वो गोली कहाँ है? रेडी, जब संकेत को गोली लगी थी और संकेत यहाँ गिरा था तो यहाँ उस दिन काफी लोग मौजूद थे। हो सकता है उसी भीड़ भाड़ में खूनी भी हो और चुपके से उसने वो गोली वहां से उठा ली हो। हो सकता। अनिकेत, हवेली का स्टडी रूम। सर ये राघव झूठ बोल रहा है, वो खुद फंस गया है इसलिए हमें भी फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमें अपना काम करने दीजिए, आप चुप रहिए जरा। आगे दे, लग जाओ काम पे। ये अभी तक बाहर घूम रहा है? जी हाँ, क्योंकि आपके पति का खून इंस्पेक्टर दया ने नहीं किया है। ये सीआईडी वाले हैं ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? जी नहीं मैम, सबूत है हमारे पास इसलिए। लेकिन सर, क्यों मुकेश जी, आप तो कह रहे थे कि यहां पर कुछ भी नहीं है, क्या यहां पर? अभिजीत, देखा? देख लिया है? नकली नोटें छापे जा रही है इधर। हे भगवान, ये सब क्या है? शराफत का चोला उतार फेंकी और असलियत पे आ जाइए। नोट छापने की मशीन लगा रखी और पूछ रही है ये सब क्या है? सर हम सही कह रहे हैं, हमें इन नोटों के बारे में कुछ भी नहीं पता। सर सच कह रहे हैं हम? तो फिर किसे मालूम है? सर हो सकता है बहुत महीनों से ये हवेली बंद थी, हो सकता है कोई गलत इस्तेमाल कर रहा हो। सर सुन लिया, किसी ने गलत इस्तेमाल कर दिया हवेली का? अच्छा तो फिर कौन हो सकता है वो, जरा बताइए। सर इस बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम सर, सच में। ये बताइए, क्या संकेत हवेली में आते जाते रहता था? सच सच बताइए। हाँ सर, संकेत कभी कभी यहाँ आते थे। सर ये संकेत ही चला रहा होगा ये नोट बनाने की फैक्ट्री, और शायद कोई और भी उसके साथ मिला हुआ होगा। हो सकता है दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा पैसों को लेकर, तो उसने मार दिया संकेत। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं सर, हमारे सामने संकेत का किसी से झगड़ा नहीं हुआ। अभिजीत
ज्यादातर ऐसा धंधा करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस किसी बड़े कंपनी से नहीं मंगवाते, वो तो असेंबल किए हुए पार्ट्स होते हैं। चेक करते हैं, देखते हैं अगर कोई सीरियल नंबर मिले तो पता चले। सीरियल नंबर मिल गया। ये क्या है और कौन हो तुम लोग और ये क्या बदतमीजी है? हम लोग सीआईडी से और ये बदतमीजी हमें सिखाई जाती है। बता, ये नकली नोट बनाने वाली मशीन तूने किसके लिए बनाई थी? खुशी को। ये खुशी कौन है जी? वो हवेली में रहती है। खुशी हवेली में वो शेफ। न जाने अचानक से सीआईडी वाले कहां से आ गए, सारा का सारा धंधा चौपट करके रख दिया। अरे अभी तो 5 करोड़ रुपए और बनाने थे, तब जाके काम पूरा होगा। सीआईडी क्या, अगर सीआईडी का बाप भी आएगा ना तो भी हमारा काम तो पूरा होकर ही रहेगा। पर कैसे पूरा होगा? तुम तो जानते हो ना कि सीआईडी वाले हमारा गला दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा गला नहीं, तुम्हारा गला। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग भी तो मेरे साथ हो ना? साथ थे, और अब हमारा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। मतलब तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा रहा हूँ डार्लिंग, जहां तुमसे कोई कुछ नहीं पूछे और नहीं तुम्हें पकड़ेगा। सच, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम मुझे नहीं मार सकते ऐसे। So sorry, खुशी, so sorry. Sorry, मुकेश, हमें भी माफ करना। सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है सर। सर, ये लड़की नकली नोटों का कारोबार चला रही थी सर, विश्वास कीजिए सर हमारा। अच्छा, ऐसे रो रहे जैसे मायके से विदाई हो रही है। बंद करो ये रोना धोना और बताओ क्यों मारा तुमने संकेत को? संकेत इस हवेली को बेचना चाहता था, पर अगर ये हवेली बिक जाती तो हमारा नकली नोट बनाने का धंधा बंद हो जाता, इसलिए उसे मारने का प्लान बनाया था। मगर तुम चाहते थे कि तुम्हारे गलत कामों के लिए वो ये हवेली ना बेचे। यस। वाह रे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, और तुम खुशी शेफ थी ना तुम? शेफ तो फिर बताओ क्यों और कैसे मिली इनके साथ? हम तीनों तो साथ में पहले से ही काम करते थे, लेकिन जब से संकेत ने खाने की प्रतियोगिता रखी थी ना, तब से हमारा नोट बनाने का धंधा बहुत मुश्किल से चल रहा था। इसलिए सर, एक्चुअली हम लोगों को नकली नोट बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, इसीलिए खुशी को शेफ बनाकर उसकी यहाँ एंट्री करवा दी। और खाने में जहर डालकर उन जजेस को मारने की क्या जरूरत थी? सर, वो जहर जजेस के लिए नहीं था सर। तो फिर किसके लिए था? सर, वो जहर तो संकेत के लिए था, लेकिन उसने उस दिन खाना टेस्ट ही नहीं किया और पता नहीं उन जजेस को क्यों बुला लिया। और तुम लोगों का प्लान चौपट हो गया। हाँ, खूनी चाहे कितना भी चालाक, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती करता ही है। तुमने भी वो बुलेट छुपा कर एक ऐसी गलती की जो तुम तीनों को भी फांसी पर लटकाएगी।